हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग सक्कर सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स खैरपुर फ्रॉम सक्कर। और निकलते हुए ये एक छोटा सा चैलेंज आ गया जो रात को अंधेरे में सही तरह नजर नहीं आया था, इसने डैमेज तो किया था। बंगलों का जो गेट है वो कैंपर की जो रूफ एक्सेसरीज हैं उनसे कोलाइड कर रहा था। गाड़ी में टूल्स वगैरह सारे पड़े हैं, अब ये करें कि सोलर प्लेट फिलहाल उतार देते हैं और हवा भी कम करने का ऑप्शन है, तो गाड़ी थोड़ी सी बैठेगी फिर निकालते हैं। खैरपुर में हम डायरेक्टली कोट डीजी जा रहे हैं जिसका फासला सक्कर शहर से 50 किलोमीटर है और तकरीबन एक घंटे की ड्राइव है। इस टाइम गोल्डन आवर चल रहा था, ड्राइव बहुत मज़ेदार हो रही थी। रोड तो एज यूजुअल जैसी होती है वैसी ही थी, लेकिन लेफ्ट राइट जो ग्रीन लैंड्स थी, जो बाग थे, उसके साथ सनसेट के व्यूज आ रहे थे, वो पार्ट बहुत प्लेजेंट था। मुझे खैरपुर के बारे में जो अट्रैक्शंस थीं उसमें से उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना एक अलग दिलचस्पी है, बिकॉज खैरपुर इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स जो क्याम पाकिस्तान के वक्त इसमें जम हुई थी। खैरपुर का शुमार भी काफी तरक्की याफ्ता और खुशहाल प्रिंसली स्टेट्स में होता था। तालपुर फैमिली इज द फॉर्मर रूलर एंड द रॉयल फैमिली ऑफ खैरपुर। हिज हाइनेस मीर जॉर्ज मुराद अली खान तालपुर साहब इज द हेड ऑफ फैमिली एंड ही आल्सो हैड द लास्ट टाइटल ऑफ बीइंग मीर ऑफ खैरपुर और द रूलर ऑफ खैरपुर। अगले दो व्लॉग्स में खैरपुर की हिस्ट्री के बारे में मजीद हाईलाइट करेंगे। और जहाँ तक रास्ते की बात है, एक तो रास्ता था बहुत छोटा और दूसरी बात नॉन स्टॉप डिस्कशन चल रही थी आफ्ताब भाई के साथ, तो रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चला। राइट अराउंड मगरब हम लोग कोट डीजी पहुंच गए। द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ कोट डीजी फोर्ट, मगरब की रोशनी के साथ फोर्ट की लाइट्स, बड़ा फिट सीन लग रहा था। हम लोग यहाँ मीर गुलाम शबीर तालपुर साहब के पास आए हैं, हु इज फ्रॉम द रॉयल तालपुर फैमिली एंड क्लोज कजन ऑफ प्रिंस मीर मेहदी रजा तालपुर साहब। आगे चल के फिर से वही काम हुआ सुबह जिसमें बहुत टाइम लगा था। जैसे हम मीर साहब की रेजिडेंस पे पहुंचे तो यहाँ पे भी एंट्रेंस गेट पे कैंपर अंदर नहीं जा रहा था, तो कैंपर को फिर बाहर ही छोड़ा। ये खूबसूरत बिल्डिंग जो है ये मीर साहब की रेजिडेंस है, नोन एज वाइट पैलेस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ खैरपुर। अब क्योंकि हम लोग लेट थे, यहाँ पहुंचते साथ ही मीर साहब ने ये कहा कि हम डायरेक्टली अपने प्लान की तरफ चलते हैं जो हमारा आज रात का प्लान डेजर्ट कैंप का, और वी स्टार्टेड ड्राइविंग टूवर्ड्स द लोकेशन। एडवेंचर इस टाइम भी मज़े का होने वाला है। हम लोग ऊपर टॉप पे जा रहे हैं और डेजर्ट ड्यून्स हैं। मौसम दो दिन पहले बारिश हुई थी तो टेरेन की कंडीशन बड़ी अच्छी है। डेजर्ट से जो चोलिस्तान में तो अभी कुछ दिन पहले मिले थे, लेकिन इस तरह से मिलने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। इस वक्त मेरा व्लॉग करने का कोई खास दिल नहीं था फॉर टू मेन रीजंस। एक तो ये कि हम सुबह से घूम रहे थे, पहले सक्कर में फिर ड्राइव की, तो व्लॉग सुबह से चल रहा था, एनर्जी लो हो चुकी थी। लेकिन एंजॉयमेंट सारे दिन में सबसे ज्यादा कोट डीजी पहुंचने के बाद शुरू हुई और इस कदर ज्यादा थी कि मैं इसको एब्जॉर्ब करने में ज्यादा बिजी था, इसलिए ये व्लॉग कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है और सारे का सारा वॉइस ओवर पे चल रहा है। मीर साहब आफ्ताब भाई के पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलके मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। मुलाकात करते ही ये पता चल गया कि मीर साहब जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट के बंदे हैं, हमारे सारे शौक तो सेम ही है, बल्कि मैं कहूँगा मैं उनके डिपार्टमेंट का हूँ क्योंकि वो तो मेरे से सीनियर हैं। लेकिन मुझे अभी ये आइडिया नहीं हुआ था कि मीर साहब कितने बाकमाल इंसान हैं। ये आगे चल के जब इनसे रात को डिस्कशन होंगी और नेक्स्ट टू व्लॉग्स में आप देखेंगे, वी रियली हैड ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी। अब ट्रैक मजे का चल रहा था, एक तो डीप सैंड थी और ग्रेजुअली हम लोग अप हिल जा रहे थे, तो गाड़ियों को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन डीप सैंड की वजह से जो स्मूथ सेलिंग वाली सर्फिंग वाली फील आती है डेजर्ट ड्राइव में, यहाँ पे वो चीज आ रही थी। ऊपर से अच्छा मौसम और क्वालिटी वाला अंधेरा, तो इट वाज ऑल गुड। बाकी आपको भी पहुंच के दिखाते हैं उस ड्यून टॉप पे जहाँ पे सेटअप लगा हुआ था रात गुजारने का, कि वहां पे क्या सीन है। वी आर हेयर ऑन द टॉप और मैं अब आपको सीन दिखाता हूँ कि सीन है क्या।
एब्सोल्युटली आइडियल काम हो गया, टोटली अपने टाइप की जगह, अपने टाइप की फील, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनी बेटर नाइट। एंड अभी तो ये शुरू हुई है। चांद, सितारे और खुला आसमान, नीचे ठंडी सहरा की रेत, फिर दरियां बिछें, कैंपिंग चेयर्स लगें, लकड़ी जले, आग लगे और रेत पे बैठने के लिए अरेबिक स्टाइल सेटिंग, फिर उसके साथ खूबसूरत हवा जो ड्यून टॉप पे फील हो रही हो, इसके साथ खूबसूरत कंपनी, और फिर आप चाय की प्याली पकड़ के जमीन पे बैठे और आपके इर्द गिर्द जीपें ऐसे खड़ी हैं जैसे अस्तबल पे घोड़े। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, कैसे आप इस मंजर की अकासी करेंगे? नीचे कमेंट में आप अपना ओपिनियन दें, मैं अपना ओपिनियन वीडियो के एंड पे दूंगा। Just as we like it. Ideal. माशाल्लाह मीर साहब ने खाने का इतना पुरतकल्लुफ इंतजाम किया हुआ था कि दस्तरखान पे थी M4। मैं M4 राइफल या बीमर M4 की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुर्ग, मटन, मछली और मुर्गा भी M4। ये खाना वैसे किसी डाइनिंग टेबल की जीनत बने तो उसको 4 स्टार लग जाए। अब आप इमेजिन करें कि जिस जगह को मैंने डिफाइन किया, जहाँ पे बैठ के हम ये खाना इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। मैंने अभी आपको ये एक्सपीरियंस डिफाइन करने के लिए जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वो कम, लेकिन एक एक लफ्ज पूरी फील को रिप्रेजेंट करता है। उसके पीछे इतनी डेप्थ है जो महसूस ही की जा सकती है। लेकिन इन सारी फीलिंग्स के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो एक फीलिंग आती है वो आती है कि फब्बी आला रब्बी को मातु का ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक हम इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें, अल्लाह ताला की नेमतें अनगिनत हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को बेहतरीन अंदाज़ में अपनी इबादत, जिक्र और शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।